हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। पिछला वीडियो भी कमाल का था जहां पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको बी ट्रीज का कॉन्सेप्ट, एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में डाल दी थी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी रिलेटेड विद बी ट्री। अगर वहां पे थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियोज में वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि जब किसी एक चीज को एग्जाम्पल के साथ समझा जाए तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन काफी कम रहता है दिमाग के अंदर रिलेटेड विद दैट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आगे आने वाले वीडियोस को अगर समझना है तो इस वीडियो को समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्रीज। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले समझने वाले जो कि आगे आने वाले वीडियोस को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाली हैं। ओके, सो प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली बी ट्री, लेकिन उसमें भी क्या किस से रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि वो ट्री है, बी ट्री इज अ ट्री, तो उस ट्री में रूट नोड होगा, बराबर लीफ नोड्स होंगी, और जो दोनों कैटेगरीज में जो नोड नहीं आती उनको हम इंटरनल नोड कहते हैं। तो भाई रूट नोड, इंटरनल नोड, लीफ नोड्स, ये जो तीनों कैटेगरी है इनसे रिलेटेड चलो प्रॉपर्टीज को समझते हैं, काफी काम आने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस को समझने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूं भैया रूट। तो रूट की क्या स्पेशलिटी ये बताओ, रूट की क्या वो ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको जानना जरूरी है। सो रूट में विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में बात की जा रही है। चिल्ड्रंस ऑफ रूट कैन बी इन बिटवीन टू एंड पी, मतलब दो और पी इतने आपके चिल्ड्रंस हो सकते हैं। ये दो क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ये पी क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अ रूट नोड कैन हैव। अब ये आई थिंक आपको पता होगा पी क्या है, पी इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ योर ट्री। ऑर्डर ऑफ योर ट्री मतलब मैक्सिमम चिल्ड्रंस अ नोड कैन हैव, मैक्सिमम चिल्ड्रंस अ नोड कैन हैव, दैट्स अ सिंपल थिंग। अभी इसमें जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे ही बता देता हूँ, यहाँ पे मेरा की वैल्यू पेयर है, की वैल्यू पेयर है, दिस इज द की वैल्यू ऑफ अ रिकॉर्ड एंड दिस इज द पॉइंटर टू दैट रिकॉर्ड, और यहाँ पे फिर मेरे क्या होते हैं नोड पॉइंटर्स होते हैं, और इन नोड पॉइंटर्स को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए ट्री लैंग्वेज में तो दीज आर नथिंग बट द चिल्ड्रंस ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड, चिल्ड्रंस ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर इफ यू आर हैविंग इन अ पर्टिकुलर नोड एन नंबर ऑफ कीज, इफ अ नोड इज हैविंग एन नंबर ऑफ ट्रीज कीज, देन देयर मस्ट बी एन प्लस वन चिल्ड्रंस of that respective node in B tree। ये बहुत important statement है। For example, यहाँ पे अगर मेरा n है, n की value क्या है यहाँ पे 1 है, एक ही की है ना, इस node के अंदर एक ही की है, तो what should be according to this pattern, according to this funda, what should be the number of children of this particular node, it should be 2, जो कि आप देख पा रहे हो इस node के दो children हैं और एक की है, जस्टिफाइड स्टेटमेंट। ये आप हर एक नोड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और इसी रिलेशन में यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई रूट जो है उसके कम से कम दो चिल्ड्रन होने चाहिए, कम से कम, मिनिमम इट शुड हैव टू चिल्ड्रन एंड मैक्सिमम इट कैन हैव द पी, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव, वो कैपेसिटी आप एक रूट को भी दे सकते हो, एंड रूट कैन होल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ नोड कैन होल्ड इन अ ट्री, सिंपल। उसके बाद बात करते हैं इंटरनल नोड्स के बारे में, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटरनल नोड्स। तो इंटरनल नोड्स क्या भैया, उसके भी चिल्ड्रंस एंड कीज के बारे में बात की जा रही है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ कीज होने चाहिए। सो देर आर सम लिमिट्स डिफाइंड, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, ये बताओ भाई। तो फिर चिल्ड्रंस शुड बी, इंटरनल नोड्स में जो चिल्ड्रन है देयर काउंट शुड बी इन बिटवीन पी बाई टू एंड पी, दिस इज अ सील फंक्शन अप्लाइड, वी हैव टू टेक द सील वैल्यू ऑफ दिस पी बाई टू एंड पी, इनके बीच में जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ इंटरनल नोड्स कैन लाई। कीज क्या हो सकती हैं, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था अभी अकॉर्डिंग टू दिस फंडा, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट आई टोल्ड, कि अगर इतनी कीज है तो इतने आपके क्या होने चाहिए भाई, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर आपके पी बाई टू है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कीज आपके कितने होंगे, पी बाई टू सील वैल्यू ऑफ दैट माइनस वन। मैक्सिमम वैल्यू अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की पी है तो यहाँ पे कितनी होगी नंबर ऑफ कीज की इन इंटरनल नोड, इट विल बी पी माइनस वन, बराबर, बिकॉज हमेशा द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस विल बी वन मोर देन अ की। ओके, सो दैट इज वाई दिस रिलेशन इज, and same way leaf node is also there. Remember very important thing, leaf node all should be at the same level, all should be, means if this is a tree, say if this is a tree correct, so this is nothing but, this section is nothing but leaf tree, leaf nodes of the particular tree, so all should be at the same level, means if this leaf node is having some distance from the root then the same distance should be for all the leaf nodes from the root. I hope I am making my point clear, कि भैया इस node का और इस root का जितना distance है उतना ही distance हर एक
जो रिमेनिंग लीफ नोड्स है उनका डिस्टेंस रूट से होना चाहिए ऑफ द ट्री। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। इतना सिंपल सी बात है, एक लेवल में होनी चाहिए, सेम लेवल में होनी चाहिए। ओके उसके बाद भैया कीज, यस यहाँ पे हम चिल्ड्रन की बात नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर द नोड्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ लीफ नोड्स बिकॉज दे आर नॉट हैविंग चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस की बात नहीं करते हम लीफ नोड के वक्त, सिर्फ कीज की बात करते कि भैया कितने कीज हो सकते हैं, हाउ मेनी कीज। सो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला दीज आर जनरली फॉर द रूट नोड्स एंड लीफ नोड्स, जहाँ पे हम चिल्ड्रंस की एटलीस्ट बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है लीफ नोड में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस, वी आर जस्ट कंसर्न विद द कीज। यस तो भैया कीज कितने होंगे, इट विल बी सेम जैसे कि इंटरनल नोड्स के साथ था, उतना ही सेम आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको अभी थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक्चुअल में ये कहने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। ओके सो लेट्स टेक द P इज इक्वल टू 4, लेट द ऑर्डर ऑफ ट्री B इज इक्वल टू 4। तो P की वैल्यू मैंने 4 ले ली है, जस्ट आई हैव अज्यूम्ड इट, और उस वैल्यू के बेसिस पे मैं देखूंगा कि वॉट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ कीज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज फॉर दीज थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स। ठीक है तो रूट के लिए देखते हैं, रूट के लिए मिनिमम की कितनी हो सकती है, एक हो सकती है। यहाँ पे देखा ना एग्जाम्पल मिनिमम की, डोंट गेट कन्फ्यूज, दिस इज की, दिस इज चिल्ड्रन, दो अलग चीजों के बारे में बात चल रही है। मिनिमम नंबर ऑफ की इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन और रूट नोड कैन हैव इज 2। तो अगर दो चिल्ड्रन होंगे तो कॉमन सेंस की बात है भैया एक की होगी, बराबर। तो यहाँ पे मिनिमम की और रूट कैन हैव इज इक्वल टू ऑब्वियसली 1 एंड मैक्सिमम की और रूट कैन हैव इज इक्वल टू 3। ओके जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ तो की के बारे में लिख दूँ तो की विल बी मिनिमम तो एक ही होगा एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है, ऑब्वियसली P-1, इट कैन बी P-1। तो यहाँ पे P कितना है 4, तो 4-1 दैट इज इक्वल टू 3 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज दैट अ रूट नोड कैन हैव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटरनल नोड्स, इंटरनल नोड में भी भैया मिनिमम नंबर ऑफ कीज इट कैन हैव इज इक्वल टू 1, व्हाई, बिकॉज जस्ट पुट इट इन दिस फॉर्मूला वेयर इट इज इन दिस फॉर्मूला। तो P/2 दैट इज 4/2 इज नथिंग बट 2 2-1 इज 1, सो इट कैन हैव 1 एज मिनिमम नंबर ऑफ कीज इन इंटरनल नोड्स। एंड वट इज मैक्सिमम की, इट इज सिंपली P-1 दैट इज 4-1 3। सिमिलरली फॉर लीफ वी आर गोइंग टू सी, लीफ नोड दैट इज 1, सेम फंडा 4/2 दैट इज 2, 2-1 इट इज इक्वल टू 1 एंड द मैक्सिमम लिमिट इज P-1 दैट इज मैक्सिमम कीज इट कैन हैव इज 3, 4-1 इज 3। तो इस तरीके से यहाँ पे तो चलो हमने अज्यूम कर लिया P की वैल्यू, लेकिन मुद्दे की बात ये आती है कि अगर P की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़े तो मैं वो फाइंड कैसे करूँगा, वो अगले वीडियो में देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि हाउ टू फाइंड दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अ ट्री ऑन सम गिवन बेसिक डेटा, कैसे फाइंड किया जाए। हाल फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ सारी प्रॉपर्टी जो थी रिलेटेड विद बी ट्री, इंपॉर्टेंट IMP प्रॉपर्टीज वो मैंने आप तक डिलीवर कर दी है। ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।